हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, आज मैं आप सभी के सामने पैरासूट एडवांस कोकोनट क्रीम ऑयल का रिव्यू करूंगी। काफ़ी अच्छा कोकोनट क्रीम ऑयल है, मैंने इसे यूज़ किया और ये न्यू मार्केट में लॉन्च हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए और आप सबको दिखाई जाए। प्री वॉश हेयर नरिशमेंट, ये हेयर को नरिशमेंट देता है, 100% नेचुरल ऑयल है और इसका प्राइस 120 रुपीज़ इसका प्राइस है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। तो गाइस, इसी के बारे में डिटेल से बात करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो स्टार्टेड गाइस। यह कोकोनट क्रीम ऑयल है, यह उन लोगों के लिए काफ़ी बेटर है जिन्हें अपने बालों में तेल लगाना पसंद नहीं है, जो तेल के चिपचिपेपन से बालों में तेल नहीं लगाते हैं और जिस वजह से उनके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं, बालों में कोई भी जान नहीं रहती है, नरिशमेंट नहीं रहता है। तो गाइस, कोकोनट का क्रीम ऑयल काफ़ी बेस्ट है, यह 100% है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। और शायद गाइस, मैं ये भी कहूँगी कि हमें हमारे हेयर में ऑयल लगाना चाहिए, बट जिन्हें ऑयल लगाना पसंद नहीं है वो कोकोनट क्रीम ऑयल लगा सकते हैं। अंदर से ये कुछ इस तरह का है, जैसे हम हमारी बॉडी पे बॉडी लोशंस लगाते हैं उसी तरीके से क्रीम फॉर्म में है। काफ़ी बेस्ट है, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, ये क्रीम जैसा है और ईजिली हेयर में ब्लेंड हो जाता है। आप इसे चाहे तो अपनी बॉडी पे भी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। हम सभी जानते हैं कोकोनट हमारी स्किन और बॉडी हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप देख सकते हैं कितना ईजिली ब्लेंड हो गया है, यह आपके हेयर को सॉफ्ट रखेगा, उन्हें नरिशमेंट देगा, उनमें साइन लाएगा और गाइस, ये आपके हेयर को डैमेज होने से भी बचाएगा। और इसकी फिगर्स इतनी माइल्ड है कि आपके बालों में काफ़ी देर तक रहेगी। और गाइस, कई बार आपने देखा होगा कि हम बालों में तेल लगा के जब बाहर चले जाते हैं तो बाहर के पॉल्यूशन वगैरह से हमारे हेयर कितने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, हेयर में डस्ट लग जाती है, हेयर इतने रफ हो जाते हैं, उनमें जान नहीं रहती है और पॉल्यूशन की वजह से हमारे हेयर भी झड़ने लग जाते हैं और कमज़ोर होकर टूटते हैं। तो गाइस, आप इस हेयर क्रीम को ज़रूर ट्राई करें, आपके हेयर को सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा, नरिशमेंट देगा, हेयर की ग्रोथ को बढ़ाएगा, उन्हें लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उन्हें शाइनी बनाएगा। काफ़ी बेस्ट है, इसे आप नहाने के पहले भी लगा सकते हैं अपने बालों में और चाहे तो आप बाद में भी लगा सकते हैं, काफ़ी बेस्ट है। किस तरीके से इसे यूज़ करना है, क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है जिसे आप देख कर ईजिली कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। मैंने इसे यूज़ किया, मुझे काफ़ी पसंद आया और मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी कि ये जो ऑयल होते हैं उनसे काफ़ी अलग है। ऑयल हमारे हेयर को चिपचिपापन कर देते हैं जिसे हम डेली यूज़ नहीं कर सकते, बट गाइस, आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं, यह आपके हेयर को सॉफ्ट देगा और इसकी फिगर्स इतनी अमेजिंग है, जो कि हेयर में गर्मियों में क्या होता है, पसीने की वजह से बालों में स्मेल आने लग जाती है और एक दिन में ही बाल इतने ज़्यादा बेकार हो जाते हैं। तो गाइस, आप इसे लगाइए, बालों में एक अच्छी फिगरेंस भी आएगी और बाल आपके ख़राब भी नहीं होंगे, काफ़ी बेटर है, मुझे ये काफ़ी पसंद आया, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ये आपको काफ़ी पसंद आएगा। गाइस, ये आपके हेयर की ग्रोथ को बढ़ाएगा, उन्हें सॉफ्ट बनाएगा, उन्हें सिल्की बनाएगा, उनमें नई जान देगा। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आपके हेयर का झड़ना बंद करेगा और उन्हें इतनी सिल्की बनाएगा। कंटिन्यू आप यूज़ करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और गाइस, ये क्रीम है, इसे आप अपनी बॉडी पे भी लगा सकते हैं क्योंकि कोकोनट से बनी है और कोकोनट हमारे हेयर और स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यह आपकी स्किन को भी सॉफ्ट बनाएगा, उन्हें नरिशमेंट देगा, ड्राई स्किन को रिपेयर करेगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद इसके जो भी रिजल्ट है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। गाइस, ये काफ़ी बेस्ट है और आपको बहुत पसंद आएगा और इसका प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है, 120 रुपीज़ इसका प्राइस है।